भगवान कर्ण की डोली अपने स्थान पे विराजमान हो चुकी है और आप देखेंगे यहाँ पे एक नहीं दो डोली है, एक महाराज कर्ण की है, एक उनके सारथी मामा सले की है। उत्तराखंड देवभूमि है, सच में ही देवभूमि है। इस देवभूमि की बदौलत से ही आज हमारे उत्तराखंड की एक अलग पहचान बनी है। और साथियों नमस्कार, मैं इस समय उत्तरकाशी जनपद के सिकतूर पट्टी के गेचाण गांव में हूं और यहां पे आने की वजह यह है कि भाई इस गांव में जो है बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जा रहा है। ऐसा कहते हैं कि इस गांव में भगवान कर्ण का एक बहुत ही आलीशान मंदिर है और आसपास के 20-22 गांवों के ये आराध्य देव हैं और हर साल हर गांव में उनकी पूजा होती है। अगर इस साल इस गांव में पूजा हो रही थी, अगले साल दूसरे गांव में पूजा होती है और आज ये सौभाग्य मिला है अपने गेचाण गांव को। आप मेरे पीछे देखेंगे तमाम क्या पुरुष क्या महिलाएं क्या बच्चे सब भगवान कर्ण के स्वागत के लिए फूल मालाओं के साथ खड़े हैं, धूप अगरबत्ती के साथ खड़े हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ इस शोभा यात्रा में महाराजा कर्ण की इस पूजा में सम्मिलित होइएगा। तो साथियों जो भगवान कर्ण की जो डोली है, जो शोभा यात्रा है, वो थोड़ी देर में गांव में पहुंच जाएगी और उसके लिए आप देखेंगे तमाम लोग खड़े हैं और इस समय टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन है। उसके बावजूद आप देखेंगे महिलाएं सब जो है नंगे पांव सुबह से यहाँ पे खड़े हैं। सबके हाथ में आप देखेंगे, किसी के हाथ में गंगा जल है, किसी के हाथ में शहद है, किसी के हाथ में गौमूत्र है, तो किसी के हाथ में फूल मालाएं हैं। यूं तो आज महाराजा कर्ण की जो पूजा है वो गेचाण गांव में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आसपास के गांव वाले यहां पे नहीं आते हैं। आप देखेंगे तमाम जो सिकतूर पट्टी है वहां से लोग आते हैं, हिमाचल से लोग आते हैं, उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पे महाराजा कर्ण को देखने आते हैं, उनको पूजा करने उनको रिझाने आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तमाम लोग अलग अलग गांवों से लोग आए हुए हैं और ये नेटवर्क के कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनके हाथ में छड़ी है। हेलो, साथियों तो ये भगवान कर्ण की डोली जो है आपके सम्मुख प्रस्तुत हो चुकी है हजारों लाखों भक्तजनों के साथ में। आप देखेंगे कहीं जोड़ी ढोल दमाओं के साथ में आपके सम्मुख अब प्रस्तुत होने वाले हैं, दर्शन देने वाले हैं महाराजा कर्ण। और ये रहे महाराजा कर्ण की डोली। रास्ते पे पहुंचे यहाँ पे तमाम महिलाएं जो है गौमूत्र छिड़क रहे हैं, गंगा जल छिड़क रहे हैं, रास्तों को पवित्र कर रहे हैं और आप देखेंगे नंगे पांव सब महिलाएं यहाँ पे अपने हाथ में गाय का दूध लेके, गौमूत्र लेके, गंगा जल लेके इन रास्तों को कर रहे हैं पवित्र। उसके बाद भगवान कर्ण की डोली इन रास्तों में गुजरेगी। गाँव की कोई ऐसी गली नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पे लोग भगवान कर्ण के स्वागत के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसा भव्य दृश्य
मैंने अपने जीवन में शायद ही पहले कभी देखा होगा। गांव के रास्ते में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं जहां पे महिलाएं, बच्चे, बूढ़े भगवान कर्ण के स्वागत के लिए खड़े तैयार न हो। उस पल भी उन्होंने अपने प्राण दान में दिए और दान करते आए हैं। तो अभी मैं गेचाण गांव के बीचों बीच खड़ा हूं जहां पे महाराजा कर्ण की डोली पहुंचेगी और आप देखेंगे हजारों लाखों की संख्या में लोग यहां पे आए हैं। अगर आपको कहीं आस्था और विश्वास का संगम देखना है तो आपको आना पड़ेगा मेरे इस उत्तराखंड में, आपको आना पड़ेगा गेचाण गांव में। ऐसा कह रहे हैं गांव वाले कि पूरे 27 साल के बाद महाराजा कर्ण की डोली यहाँ पे आई है, इसीलिए सब लोग उनके भव्य स्वागत के लिए खड़े हैं। पूरे गांव में आपने देखा और अब हम पहुंच चुके हैं उस ग्राउंड में जहां पे डोली आने वाली है। तो आपको दिखाता हूं यहां पे महाराज कर्ण की डोली आएगी और देखेंगे तमाम लोग इनके स्वागत के लिए यहां पे बैठे हुए हैं। आज ग्राम गजवान गांव में 24 साल के बाद देवता की बरमास हो रही है। जब 2000 में देवता यहाँ पे इस गांव में आया था और आज 24 साल के बाद है। भगवान दानवीर कर्ण महाराज और शल्य महाराज के दर्शन करने आए, उनका आशीर्वाद लेने आए। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भगवान कर्ण महाराज जब उन्होंने अपने जो पैतृक स्थान है देवरा जो मंदिर है वहाँ से आज जो उन जो मंदिर से बाहर निकले और 24 साल बाद 25वें साल जो है ये गेचाण गांव जो है यहाँ के जो खोंद है यहाँ का जो पैतृक गांव है यहाँ के लोगों को जो मौका मिला भगवान कर्ण महाराज को यहाँ लाने के लिए। और आप देख रहे हैं चारों तरफ अभी राजा कर्ण महाराज अपने जितने भी उनकी जो यहाँ प्रॉपर्टी है यहाँ उनके जहाँ जहाँ उनके जो है खेत हैं तो उनके जो है मुआयना करने गए हैं। तो ये दर्शाता है कि हाँ ये आज भी जो उत्तराखंड देवभूमि है सच में ही देवभूमि है। इस देवभूमि की बदौलत से ही आज हमारे उत्तराखंड की एक अलग पहचान बनी है। और मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपका। साथियों कर्ण महाराज की जो डोली है वो पहुंच चुकी है इस गांव के प्रांगण में आप देखेंगे और बहुत ही जनसमूह के बीच में ये डोली गिरी हुई इस समय। आप देखेंगे कर्ण महाराज की डोली के साथ में एक खड़क हमेशा उनके साथ में एक बलम और साथ साथ में उनकी ये ध्वजा। अनोखी और अद्वितीय है भाई साहब। ये हमारे विगत कई सदियों से चला आ रहा है।
श्री दानवीर कर्ण महाराज, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। महाभारत के अद्वितीय अकल्पनीय महारथी और दानी रहे हैं, जिन्होंने अपने कवच कुंडल तक दान कर दिए इंद्र देवता ने जब परीक्षा ली। डोली अभी अपने धाम पे आ चुकी है, यहाँ पे विराजमान करने वाली है कर्ण महाराज की डोली। ये आप देखेंगे सोने चांदी के छत्तरों से आच्छादित भगवान कर्ण की डोली अति सुंदर प्रतीत होती है। डोली जो है इस समय आप नीचे बैठने वाली है। इसमें महाराजा कर्ण की डोली जो है विराजमान हो चुकी है और देखेंगे और फाइनली भगवान कर्ण की डोली अपने स्थान पे विराजमान हो चुकी है। और आप देखेंगे यहाँ पे एक नहीं दो डोली है, एक महाराज कर्ण की है, एक उनके सारथी मामा शल्य की है। शल्य आप जानते हैं पांडवों के मामा थे और कर्ण के सारथी थे। और इस समय पूरा गांव भाव विभोर हो चुका है ये दृश्य देख के। आप देखेंगे डोली के ऊपर में सोने का छत्तर है और नीचे पूरा चांदी से मढ़ा हुआ ये डोली। ऐसे प्रतीत होता है कि स्वयं देवलोक से ये डोली किसी ने धरती पे उतार दिया होगा। और इसीलिए आप देखते होंगे यहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में लोग अलग अलग गाँव से आते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने देवभूमि उत्तराखंड में जन्म लिया और आज का दिन जब मैं इस गेचाण गांव में पहुँचा हूँ और स्वयं साक्षात भगवान कर्ण के दर्शन यूँ तो द्वापर युग में हम कर नहीं सकते थे, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि इनके चरणों के और इनके डोली के दर्शन मुझे प्राप्त हुई है। तो इसलिए आप भी जहाँ से एक बार इस देवभूमि उत्तराखंड में ज़रूर आइएगा और समय मिले तो इस गेचाण गांव में ज़रूर आइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओ मेरी काजीना तेरी कातिरा, तेरे गाँव आयो मैं तेरी कातिरा, ओ मेरी काजीना तेरी कातिरा। Yeah, yeah.